राम, आज तकरीबन 15 दिन के बाद अपने पेड़ हमारा खेत देख सकते हैं सामने। चलता हूँ अंदर, देखता हूँ कैसी इसकी दशा है। अभी इधर देख सकते हैं पुत्ती की कटिंग हो रही है, जिस पौधे में पुत्ती कटिंग हो गई इस तरह दिख रही है, और जहाँ पर नहीं हुई है वहाँ इस तरह पुत्तियाँ दिख रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, यह पेड़ी खेत है, इससे पहले इसमें कटिंग हो चुकी थी, तो इसमें थर्ड क्रॉप का नहीं ले रहा हूँ। अब इसमें मल्च करके पूरा खेत फिर तैयारी करूँगा। अभी हमारा पूरा खेत इस तरह आपको दिख रहा होगा, और इसमें जल भरा हुआ है, इसमें बारिश ज़्यादा हो रही है। हम उत्तर भारत जिला सुल्तानपुर से हूँ, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, आप लोग जानते भी हैं। और पूरा खेत इस तरह है, और बंच आपको दिख रहे होंगे पूरे खेत में, जैसा कि इससे पहले हम इस खेत में रस्सी की बधाई करने के बाद बंच देख पाए, पूरा खेत इस तरीके से रख दिए थे। मतलब रस्सी की बधाई करने के बाद हमारा खेत कुछ इस तरीके से है, आप देख पा रहे होंगे। तो अभी हमारे खेत का ऐसा सिचुएशन है, पेड़ी खेत है, और आप देख पा रहे होंगे पूरा खेत किस तरीके से है। तो चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं। अब इसकी पूती की कटिंग कराऊंगा। पूती की कटिंग करने के बाद बंच की साइनिंग देख सकते हैं आप। तो उसके बाद इसमें से अभी कुछ दिन पहले इसमें कटिंग भी हुआ था। कटिंग होने के बाद अभी हमारा खेत कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आप देख पाए रहे होंगे। तो पूरा खेत एक बार आपको इस तरीके से दिखा देने का प्रयास कर रहा हूँ, इस तरीके से। और उत्तर भारत के लोग देखें, और सेकेंड क्रॉप का पौधा इस तरीके से है, कम मैनेजमेंट में। तो आप भी आगे आएं और कुछ अलग करें, देख सकते हैं अभी हम सब देख पाए आप, इस तरीके से है पूरे खेत में जल भराव, जैसे देख पाए ऐसा है। लोगों का संशय बना रहता है कि हम उत्तर भारत से हैं, हम सेकेंड क्रॉप का ले पाएंगे। हम आपको बता दूं, आप सेकेंड थर्ड फोर्थ ले सकते हैं, उत्तर भारत के लोग, तो उसमें कोई नहीं। क्यों आप केवल पौधे के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, बहुत अधिक दिमाग ना लड़ाएं, पौधे को अपने हिसाब से चलने दें, एक बार खेत की मैनेजमेंट कर दें, उसके बाद से कुछ इस तरह हमारा खेत है, यहीं पर है खेत पर। हमने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए, और अभी मौसम कैसा है देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, देख पाएंगे कुछ अलग, और अब तो लगातार आपको देखने को मिलेगा ही। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद।